नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें। मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। सीरीज चल रही है अप्सरा साधना की और आज फिर एक अप्सरा साधना लेकर आई हूं आप सभी के लिए। दोस्तों आज मैं रंभा अप्सरा साधना आपको बता रही हूँ। रंभा इंद्र की फेवरेट अप्सरा। आप लोगों ने कई धार्मिक सीरियल में रंभा अप्सरा की कहानियां सुन चुके होंगे, उन्हें कई रूप में देख चुके होंगे, लेकिन आज मैं साधना बताने जा रही हूँ आपको। रंभा अप्सरा जो है, जैसे मैंने मेनका अप्सरा के बारे में आपको बताया था कि वो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती है, लेकिन रंभा अप्सरा जो होती है वो प्रत्यक्ष दर्शन देती है। बिल्कुल वो नारी रूप में आएगी आपको, 14 साल से 22 साल की उम्र की लड़की के रूप में आएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले संकल्प ले लेनी है। संकल्प का तरीका मैं पहले भी सीरीज में आपको बता चुकी हूँ। हाथ में अक्षत और जल लेकर, फूल लेकर, एक हाथ से दूसरे हाथ को ढक लें और अपनी मनोकामना बोलें। आप क्यों संकल्प कर रहे हैं, अपना नाम, अपनी कास्ट, अपनी गोत्र, जो भी होते हैं, आप संकल्प करने का सारा विधि समझ लें और संकल्प करें। रक्षा सूत्र, रक्षा कवच जरूर पहनना है, यानी राम रक्षा स्रोत का जप जरूर कर लें। 3 बार हनुमान चालीसा, 3 बार हनुमान बाण का पाठ अवश्य करें। इसमें भी आपको मेनका अप्सरा की तरह सफ़ेद वस्त्र ही धारण करनी है, क्योंकि जो रंभा होती है ये भी सफ़ेद वस्त्र ही धारण करती है। आपको व्हाइट कपड़ा पहनना भी है और व्हाइट आसन ही बिछानी है, सफ़ेद आसन ही बिछानी है। इस साधना को दोस्तों जो करनी है वो आपको लाल चंदन की माला से करनी है। वैसे तो मैं हमेशा स्फटिक बताती हूँ, कई अप्सराओं की साधना स्फटिक की माला से होती है, लेकिन ये जो रंभा है, रंभा अप्सरा ज़्यादा प्रसन्न होती है लाल चंदन की माला से। तो आप एक लाल चंदन की माला भी ले लें, और अगर किसी कारण से आपको लाल चंदन की माला नहीं मिलती है तो फिर आप उसके बदले आप स्फटिक की माला से ही इस अप्सरा की भी जाप करें। सफ़ेद कपड़ा पहन लें, सफ़ेद कपड़े पर बैठ जाएं आसन पर, रात्रि को 10 बजे के बाद ही बैठें, और इसमें भी टोटल 5000 जप करनी है। तो आप 108 से डिवाइड कर लें कि कितने दिन आपको जप करनी पड़ेगी। ये आपको 31वें दिन दर्शन देती है, यानी 30 दिन इसका भी जप करना है, लेकिन इसकी एक शर्त है। रंभा अप्सरा साधना में जिस कमरे में बैठकर आपने प्रारंभ किया है, आपको 300 दिन पहले तो उसी कमरे में अपने आप को, जो घेरा आपने बनाया उस घेरे के अंदर ही जप करना है, और 31वें दिन की जो रात होगी उसको आपको उसी कमरे में बितानी है, यानी सोना है, क्योंकि स्वप्न में आने वाली है। आपने जिस अप्सरा को साधा है, जिस रूप में, माँ रूप में, बहन रूप में, प्रेयसी पत्नी के रूप में, आपके स्वप्न में 31वें दिन रंभा अप्सरा जरूर दर्शन देगी। वो 14 साल से 22 साल की उम्र की लड़की के रूप में दर्शन देगी, बेहद खूबसूरत होंगे। और कई लोगों ने ये कहा है कि वो इतनी खूबसूरत होती है कि ऐसा लगता है कि हम जैसे पागल हो जाएंगे, हमारे दिमाग काम नहीं करता। तो धैर्य, संयम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने दिमाग पर, मस्तिष्क पर काबू रखिएगा। अगर आप अप्सरा साधना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि सांसारिक सुखों को ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप भोग सकें, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। तो फिर हमारा मस्तिष्क जब कंट्रोल में रहेगा तभी हम ये सब सुख भोग पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है धैर्य से रहना। तो बहुत धैर्य से रहिएगा, अपने दिमाग पर कंट्रोल रखिएगा और श्रीयंत्र को सामने रख लेना है। जो आपको मेनका अप्सरा की साधना है बिल्कुल वही रंभा की भी है। गोमती चक्र रख लेना है, श्रीयंत्र रख लेना है, सबसे पहले अपने गुरु को नमन कर लेना है। गणपति जी को 108 बार जप लें, गुरु को 108 बार जप लें और उसके बाद ही ये जप करें। ये जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ, मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। दोस्तों इसका मंत्र है ओम रंभ रंभे रंभे नमस्तुभ्यम। ओम रंभ रंभे रंभे नमस्तुभ्यम, ये आपको पूरे 5000 बार जप करनी है। और जब आपका ये जप खत्म हो जाए, 30 दिन कंप्लीट हो जाए, तो आपको 5 कन्याओं को खीर का भोग लगाना है, उन्हें माँ रूप में समझना है, 5 कन्याओं की सेवा करनी है, उन्हें खीर खिलाना है। बिल्कुल आपको दर्शन देंगी रंभा अप्सरा, और ये बहुत सिद्ध होने वाली अप्सरा है। बहुत लोगों ने रंभा अप्सरा को सिद्ध किया, बहुत स्वामी प्रवृत्ति की है। कहा जाता है ना, इंद्र की फेवरेट है, सबसे खूबसूरत थी, इंद्र की सभा में सबसे अच्छी नृत्यांगना रंभा ही थी। तो रंभा आज भी दर्शन देती है, बहुत लोगों को दर्शन दिए हैं, और बहुत अच्छी साधना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी आप सबकी साधना पूर्ण हो, संपूर्ण हो, और बहुत अच्छे से कीजिए। कोई भी साधना करते हैं तो उसका मंत्रों का उच्चारण बहुत स्पष्ट कीजिए, ताकि कोई भी गलती ना हो, अंतरिक्ष की कोई बुरी शक्ति हम पर कोई गलत प्रभाव न डालने लगे। साधना को बहुत स्वच्छता से निपटाइए, और जब तक आप साधना कर रहे हैं बहुत सात्विक रहिए। आपको बिल्कुल शाकाहारी भोजन करना है, यहाँ तक कि अगर आप शादीशुदा है तो आपको अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, बहुत सात्विक रहना है। मुँह से कम वचन बोलें, मीठा बोलें, और ये भी शुक्रवार के दिन ही प्रारंभ होगी। कार्तिक में प्रारंभ करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना कोई भी महीने के शुक्रवार को प्रारंभ करके आप
एक महीना बिताना है आपको, 31वें दिन आपको जरूर दर्शन देगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अच्छे से पूरे मन से पूरे भाव से पॉजिटिविटी के साथ साधना कीजिए। ईश्वर करे आपकी साधना सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।